हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। मेरे बच्चों, आज जो हम करेंगे, हमारी एक्सरसाइज जो 7.10 चल रही है क्लास 12th की, ठीक है, उसी के हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 7.10 एक्सरसाइज के हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या था दिया गया, आपको लिमिट दी है 0 से लेकर 2 तक, और फंक्शन इन्होंने दिया है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, हमें अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करके उसके बाद इसकी जो लिमिट्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस एक्सरसाइज में हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी मेथड का यूज़ करते हुए हमारे पास क्या चीज़ है, 0 से 2। नीचे आपके पास क्योंकि क्वाड्रिकेशन बन रही है, सबसे पहले हम इसको परफेक्ट क्वाड्रिकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वेयर के साथ आपके यहाँ माइनस में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके माइनस को, क्योंकि एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव में रहे हमारी टर्म, तो माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, क्योंकि ये हमारे पास एक्स दिया गया, तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो रहा है ए स्क्वेयर माइनस 2ab। 2ab क्योंकि अकेला एक्स है, ठीक है, फार्मूला 2 × x हो गया, और ये अकेला एक्स है, तो b आपके पास क्या होगा, 1/2। तो मैंने 1/2 की स्क्वेयर मतलब 1/4 आपका इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड क्या हुआ, ये आपके पास यहाँ माइनस का निशान कॉमन निकाला गया था, इसलिए माइनस का ये प्लस हुआ, और ये प्लस का था ये माइनस लिखा गया, तो ये माइनस 1/4 बनेगा आपका। इधर आपके पास 4 है, तो 1/4 यहाँ से हमारे पास इसके अंदर ऐड हो जाएगा आपके पास टर्म्स के अंदर। ठीक है, आगे आप देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या चीज़ दी गई है, लिमिट आपके पास वही 0 से 2 डी एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है, अपॉन में आपका इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें, 4 × 4 16 प्लस 1 17/4 बन जाएगा, डैट मीन्स √17/2 की होल स्क्वेयर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स माइनस 1/2 की होल स्क्वेयर। अब आपके पास क्या चीज़ है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको याद होगा एक्सरसाइज 7.4 के अंदर आपने फॉर्मूले पढ़े थे, सेकेंड फार्मूला था आपका ये, ठीक है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपके पास क्या था, 1/2 a, क्या चीज़ आपके पास, √17/2 log, ठीक है, a प्लस एक्स, ए क्या चीज़ है, √17/2 प्लस एक्स, एक्स आपका एक्स माइनस हाफ हो गया, अपॉन में √17/2 माइनस आपके पास एक्स, एक्स क्या, एक्स माइनस हाफ है, तो बीच में माइनस का निशान है, तो इसका ऋण के साइन चेंज हो जाएंगे, और आपकी लिमिट क्या दी गई है यहाँ से, 0 से 2। ठीक है, यहाँ हमने क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में भी करते हुए सब्स्टिट्यूट नहीं किया, आप चाहें तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको टी मानकर आगे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, लेकिन आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। यहाँ से 2 से 2 आपका कट गया, तो 1/√17, ठीक है, ये आपके पास आप बाहर वैल्यूज आ गई, और उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम अंदर जब लॉग को सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे लॉग के अंदर क्या बनेगा आपके पास। ठीक है, आप दोनों का अगर 2 LCM ले लें, तो √17 + 2x − 1 अपॉन में 2 आएगा, और ऐसे ही नीचे 2 LCM लेंगे तो वो आपका माइनस का निशान खत्म हो जाएगा, सॉरी माइनस क्या गया, अपॉन में जो 2 है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इसके अंदर हमें लिमिट दी हुई है इन्होंने, अपर और लोअर लिमिट दी हुई है, उसी लिमिट के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हमें लिमिट क्या दी हुई है इन्होंने, 0 से लेकर 2 तक, तो पहले आप क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, 1/√17 तो आपके पास है ही लॉग, ठीक है, मॉडुलस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ बनेगा हमारा, क्या एक्स की जगह हमने 2 रखा, तो 2 + 2 = 4 − 1 = 3, तो √17 + 3, नीचे √17 − 2 × 2 = 4 + 1 − 3 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास 1/√17 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, माइनस लॉग एक्स की जगह आप 0 पुट कर देंगे, एक्स की जगह 0 पुट किया तो ऊपर क्या बन गया आपके पास, √17 − 1, और अपॉन में क्या बन गया, √17 + 1, ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई, क्लियर।
अब आपके पास आपका ये आंसर बन जाता है। आप इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ तक भी आंसर को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफाई में क्या होगा, क्योंकि माइनस है तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। वन बाई अंडर रूट 17 लॉग अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 3, ठीक है। गुणा में आपने डिवाइड में ही करना है, तो डिवाइड में होने के कारण ये पलट जाएगा, अंडर रूट 17 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। इसके बाद फिर आ गया, आप इसकी मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसको रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वो जितना भी आप चीज़ों को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। आप यहाँ तक इस रकम को छोड़कर चलना चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर भी सेम आपके पास ऐसा ही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, आंसर मैच करने के लिए आप आगे तक करना चाहें कर सकते हैं, कैलकुलेशन अंदर की वो जितनी भी आप चाहें उतनी कर सकते हैं, माइनस वन से लेकर वन तक, ठीक है, आपको लिमिट दी गई है। डी एक्स अपॉन क्या दिया गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, आप यहाँ से करते हैं माइनस वन से लेकर वन तक, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर बनेगा, तो v आपके पास यहाँ क्योंकि 1 निकलेगा इससे, तो 1 की स्क्वायर 1 ही बनेगा, 5 था तो मैंने 1 प्लस 4 लिख दिया उसको, तो आपके पास क्या बन गया, ये माइनस 1 से 1 तक डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 4। इसके अंदर आपके पास स्पेशल लिमिट माइनस 1 से 1 बन रही है, ठीक है। इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आप स्पेशल अगर निकालना चाहें तो आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है माइनस ए टू ए की, तो इसलिए हम इसको अपने ही हिसाब से सॉल्व करेंगे जैसा हम करते हैं, ठीक है ना। देखें जैसे इसके अंदर अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका 7.4 एक्स में चढ़ चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फार्मूला क्या था, 1 बाई ए टेन इनवर्स, ठीक है, जो हमारा x है बाय 2 अपॉन में लिमिट पुट करेंगे माइनस 1 टू 1, 1 बाई 2 आपके पास बाहर रहेगा, टेन इनवर्स आपने अपर लिमिट पुट की 1 प्लस 1 2 2 बाई 2 1 आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स आपने माइनस 1 पुट किया माइनस 1 प्लस 1 0 बाई 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई 2 आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, और ये आपके पास 0 हो गया। पाई बाई 4 को आप 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, पाई बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। इनको हमने दो क्वेश्चन बिना सब्स्टिट्यूट के कर लिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें आप देखें हमें दिया गया है e की पावर 2x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप इसमें देखें, आप एक फार्मूला लगता है e की पावर x, अगर आपके पास फंक्शन हो प्लस उसका साथ में डिफ्रेंशिएट हो, ठीक है, डी एक्स, तो आप इसको ई एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास ई एक्स के लिए है, यहाँ ई की पावर 2x दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस 2x को ही ख़त्म करना पड़ेगा, फिर आप इस टाइप के फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या दी गई है हमें, 1 से लेकर 2 तक, आपने लेट किया 2x इक्वल टू टी, सो x क्या बन गया आपके पास, हाफ टी, तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ dt, ठीक है। अब हम लिमिट चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास x टेंस टू 1 है तो इसका मतलब t टेंस टू क्या बनेगा हमारे पास, इसका डबल हो जाएगा, डैट मीन्स 2। अगर x आपके पास टेंस टू 2 है तो t टेंस टू कितना बनेगा, x की जगह 2 पुट किया, 2 इंटू 2 4, डैट मीन्स लिमिट क्या बन जाएगी, 4, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं हम जब लिमिट फंक्शन को चेंज करते हैं तो लिमिट भी चेंज कर देते हैं e की पावर t। अब हमारे पास 1 बाई एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टी बाई 2 पुट करेंगे, तो 1 बाई टी बाई 2, तो 2 पलट कर आपका ऊपर चला गया, माइनस 1 बाई 2 आप इसका स्क्वेयर करेंगे तो टी स्क्वेयर बाई 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2, साथ में आपके पास है ये 2 पलट के आपके पास अगले स्टेप के अंदर ऊपर चला जाएगा डी टी, ठीक है। आपके पास यहाँ से कट के ये 2 बन गया, 2 आप दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, 2 आपने कॉमन निकाल दिया, 2 से लेकर 4 तक e की पावर t
वन बाई टी माइनस वन बाई टी स्क्वेयर डी टी, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप लेट कर लें फंक्शन ऑफ टी हमारे पास क्या है, वन बाई टी है, तो इसका जो डिफरेंशिएट है वो क्या बनेगा आपका, माइनस वन बाई टी स्क्वेयर ही बनेगा, ठीक है। तो फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि अगर आपके पास e की पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स हो साथ में प्लस उसके अंदर उसका डिफरेंशिएट साथ में प्लस हो इंटू डी एक्स, तो आपके पास ये ई एक्स इंटू एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए आप इसको आई इंटीग्रल लेकर चल रहे हैं, तो आपके पास आई बराबर में क्या हो गया, ये फंक्शन था इसके साथ इसका डिफरेंशिएट हो गया, तो क्या बन गया हमारे पास इसका टू आपके पास है ही ई की पावर टी इंटू वन बाई टी और सारे की लिमिट टू से लेकर फोर तक, ये आ जाएगी आपकी, क्लियर। यहाँ से फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या बनाना है हमने। आपका टू कॉमन आ गया, ई की पावर पहले फोर पुट किया बाय फोर माइनस फिर आपने टू पुट किया तो बाय टू, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारे पास ई की फोर माइनस ई की टू। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, टू आपका एलसीएम लिया तो फोर ई की पावर फोर माइनस टू ई की पावर टू, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास हमारी। अच्छा, इसके अंदर हमारी एक मिस्टेक हम चल रहे हैं, थोड़ी सी गलती हम जो कर गई, हमने डी एक्स की जगह अकेला डी टी लिख दिया, उसके साथ आपका हाफ डी टी है ये, ठीक है ना। तो आपने ये बाई टू भी साथ में लगाना है, और बाई टू से आपके पास ये क्या होगा, यहाँ से टू से टू कट जाएगा आपके पास, तो ये जो बाहर वाला टू है आपका वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ऊपर से अगर ई स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे तो ई की पावर टू माइनस टू बाई फोर, ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर आठ का, क्लियर। इस तरीके से हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नौ में हम देखेंगे, हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे हम जानते हैं पूरे चैप्टर के अंदर हर लास्ट दो तीन क्वेश्चन हमें ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन देखने में आपके पास ये एक्चुअल में ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ इसकी जो लॉजिक बनते हैं, ठीक है, वो आपके पास एक जनरल क्वेश्चन की तरह ही है। पावर वन बाई थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर डी एक्स, इसमें हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे। आपको एक्स, क्योंकि इसकी आप टी मानते हैं जो फंक्शन के अंदर पावर वाला है ना, उसको टी मानते हैं, लेकिन इसको टी मानकर हमारा कुछ भी बन नहीं रहा। हमारा लॉजिक यही कहता है सब चीज़ मेथड कि जो भी पावर एन के अंदर जो फंक्शन होगा, अगर लीनियर इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लीनियर इक्वेशन के अलावा कोई और फंक्शन है आप उसको टी मानेंगे, लेकिन एक्स माइनस एक्स क्यूब को टी मानने से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लॉजिक क्या लगाते हैं इसके अंदर, आप एक्स क्यूब बाहर निकाल देते हैं, एक्स क्यूब सारे की पावर वन बाई थ्री, ठीक है। और यहाँ से एक्स आपके पास है तो एक्स निकाला मैंने, था मेरे पास एक्स ही, तो बाई अपॉन में एक्स क्यूब चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई इधर करूँगा तभी आपके पास एक्स रहेगा वापस, यहाँ एक्स क्यूब है ही, आप यूँ कर लीजिए या यूँ मान लीजिए, ठीक है। समझने में थोड़ी सी आसानी होती है कि आपने एक्स की पावर तीन पावर उसकी पावर वन बाई थ्री, मतलब एक्स हो गया ना, उसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर जाके वो पावर थ्री बनना ही बनना था। यहाँ से आपके पास क्या हुआ, ये दोनों कट गए, वन आ गया, और ये आपके पास कट के पावर टू रहेगी, नीचे एक्स की पावर फोर है, यहाँ से आपके पास ये कट गया तो अकेला एक्स रह गया, ठीक है। मीन्स क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन वन बाई थ्री से लेकर वन लिमिट तक, ऊपर एक्स वन बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन की पावर वन बाई थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर। ये फोर आपके पास यहाँ से कट के क्या रह जाएगा, पावर थ्री रह जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कुछ ना कुछ हमारा फंक्शन बन जाएगा। कैसे, आप लेट कर लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, वन बाई एक्स की पावर टू माइनस वन को टी। अब आप इसको डिफिनिशिएट करें, या आप इसको जनरल एक्स की पावर माइनस टू मान सकते हैं एक प्रकार से, यूँ मान लीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको डिफिनिशिएट किया, माइनस टू आगे आ गया एक्स की पावर माइनस थ्री, वन का ख़त्म हो जाएगा, डी एक्स बराबर में डी टी, दैट मीन्स वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स माइनस टू को आप परली तरफ ले गए तो माइनस वन बाई टू डी टी, ठीक है। ये चीज़ बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, क्योंकि वन बाई एक्स क्यूब आपके पास यहाँ है तो उसकी जगह ये वैल्यू पुट करने में हमें आसानी होगी। अब लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि एक्स टेंस टू आपके पास वन बाई थ्री है, इसलिए टी टेंस टू क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। आप एक्स की जगह वन बाई थ्री पुट करेंगे यहाँ पर, हम
वन बाई थ्री की स्क्वेयर माइनस वन, डैट मीन्स आपका 1/9 बनेगा, उसका पलट देंगे तो 9 - 1 डैट इज 8, तो t हमारा टेंस टू क्या कर गया 8। इसी प्रकार से क्योंकि x टेंस टू आपके पास क्या है 1 है, तो इसलिए t टेंस टू क्या बनेगा हमारे पास 1/1 की स्क्वेयर माइनस 1, तो आपके पास 1 - 1 हो गया, डैट मीन्स क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी लिमिट क्या बन गई, लोअर लिमिट 8 और अपर लिमिट आपके पास क्या बन गई 0। ठीक है, और 1/x² - 1 इस सारे को आपने t माना है, तो t की पावर 1/3 आ गया और साथ में इसके -1/2 dt आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था ये प्रॉपर्टी, अगर आप माइनस के साइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो चेंज हो जाती है। 1/2 बाहर आ गया, लिमिट आपकी लोअर से अपर, अपर से लोअर होगी, टी की पावर 1/3 dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टी की पावर 4/3, ठीक है, अपॉन में 4/3, और सारी आपकी लिमिट क्या बन गई इसकी 0 से 8 तक। आपके पास 1/2 ये पलट जाएगा ऊपर, 3 बजा के 4 बन गया आपके पास, 3/4 आ गई वैल्यूज, ठीक है, बाहर की तरफ। और अंदर आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, कि पुट करने पर हमारे पास क्या बनेगा वो देखेंगे। आपने टी की जगह 8 भरा, 8 की पावर 4/3, 0 भरा तो 0 की पावर 4/3 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज़ है, आपने इस वैल्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको जो पहले कहा कि क्वेश्चन देखने के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर डाल दिया गया, लेकिन ये क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्टों के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। 8 क्या होता है, 2 की क्यूब होता है इंटू 4/3, माइनस ये तो 0 ही होगा, 0 की पावर कुछ भी हो, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 4, 3/8, 2 की पावर 4 क्या हो गया 16, तो आपके कट के 2, 3 × 2, 6। ठीक है, ये आ गया आपके पास, डैट मीन जो आपका ऑप्शन है वो, ठीक है, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास 6 कहाँ से बन रहा है, ऑप्शन के तौर पर ए ऑप्शन आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको चेक कर लेना है कि किसी भी जगह कोई मिस्टेक्स ना हुई हो, कोई वैल्यूज के अंदर चेंजिंग ना आई हो, ठीक है ना, उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं अगर कोई वैल्यूज की मिस्टेक लगे तो उस हिसाब से आंसर को चेक कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, उसको हम किस ढंग से करेंगे। 10 क्वेश्चन नंबर 10 में मैं क्या दे रहा है फंक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें लिमिट दिया 0 से लेकर x तक, फंक्शन दिया इन्होंने t sin t dt। ठीक है, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने, एक प्रकार का फंक्शन ऑफ fx। ठीक है, ये कह रहा है, ये हमें करना क्या है, इस फंक्शंस का ये फंक्शन मिलेगा हमें जो भी हमारे पास आएगा, उसके बाद हमें f' फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि बताएं f' क्या होगा आपके पास। तो हमारे पास t sin t है, सबसे पहले हम इसी का क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर लें इसको। ठीक है, आपके पास हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन है ना इंटीग्रेशन की फॉर्म में आपके पास, तो टी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, आईलेट के अकॉर्डिंग टी हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, दूसरा साइन टी हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशंस, आपके पास लिमिट 0 से x होगी। टी साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस टी का 1 हो गया और साइन का क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस टी डी टी, लिमिट हमारे पास 0 से लेकर x तक। फिर आपने इसका आगे माइनस टी कॉस टी, ठीक है, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन टी, लिमिट 0 से लेकर x तक। पहले अपर लिमिट पुट की माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, फिर हमने 0 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 है क्योंकि यहाँ पर, और साइन 0 0 होता है तो वो 0 ही हो जाना है, तो माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास हमारा आंसर, ये हमारे पास क्या बना, हमारा फंक्शंस बना, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है,
अब डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, आपने फर्स्ट को एज रखा कॉस एक्स को, और कॉस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएट प्लस, सॉरी बीच में माइनस का निशान तो आएगा ही आएगा, बाहर माइनस का निशान है ना, या उस माइनस को कॉमन निकाल दें, बीच में प्लस का लगा लेंगे। कॉस को आपने एज रखा, एक्स का क्या हो गया वन, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा कॉस एक्स, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, आपके पास आंसर क्या आ गया एक्स साइन एक्स, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास बी। अब इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट बी करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बड़ा ही एक लॉजिक सा दे दिया इन्होंने, ये फंक्शन दिया हमें, ठीक है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये फंक्शन है, ठीक है, आपके पास जो भी इसका इंटीग्रेट करके आएगा फिर आपको उसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, मैंने इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो जो आंसर आएगा उसका जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो वापस यही फंक्शन आएगा, क्योंकि आपके पास एक दूसरे के स्टेप से ही मिलकर बने हुए हैं ये, ठीक है, तो बस ये एक्स की फॉर्म में है तो आपका जो आंसर आएगा वो एक्स साइन एक्स आएगा, वही देखिए, ठीक है, आपके पास वो आंसर बन रहा है। क्वेश्चन जरूर घुमा दिया, ठीक है, करने की पूरा जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के तौर पर ये क्वेश्चन बर्दाश्त पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, लेकिन आप जनरल उस क्वेश्चन को सिंपली ढंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आपके एग्जाम्पल्स भी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, कि आप एग्जाम्पल्स को किस ढंग से सॉल्व करेंगे। इसके दोनों ही एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 28 स्टूडेंट्स की डिमांड थी -1 to 1 5x की पावर 4 अंडरूट के अंदर एक्स की पावर 5 प्लस 1 डी एक्स, ठीक है, सिंपल, आपको पता है कि अंडरूट के अंदर हमारे पास आ गया, मीन्स पावर 1/2 के अंदर आ गया, आप उसको ही लेट करेंगे, लेट एक्स की पावर 5 प्लस 1 को आपने टी लेट किया तो 5x की पावर 4 डी एक्स बराबर में डी टी। अब इफ अगर एक्स टेंस टू आपके पास माइनस 1 है तो टी टेंस टू क्या बनेगा आपके पास माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1, डैट मीन्स माइनस 1 प्लस 1 मीन्स 0। अगर इफ एक्स टेंस टू 1 है आपके पास तो टी टेंस टू क्या बनेगा 1 की पावर 5 प्लस 1, डैट मीन्स 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो आपकी लिमिट क्या होगी 0 से 2, 5x की पावर 4 डी एक्स की जगह तो डी टी लिख देंगे, और इस सारे को आपने टी माने तो टी की पावर हाफ हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सिंपल इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और सारे की आपकी लिमिट 0 से 2 तक, ये पलट गया 2/3 बन जाएगा आपके पास, ठीक है, और 2 की पावर 3/2 माइनस 0 तो 2/3 2 की पावर 1.5 तो 1/2 पूरा कंप्लीट लिख गया, हाफ मतलब इसको अंडरूट में कर दूंगा मैं, तो क्या बन गया ये 4/2 ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, हमारा एग्जांपल नंबर 29 उसके अंदर हम कैसे करेंगे, वो भी आपके पास बड़ा ही सिंपल कंसेप्टों के अंदर बना हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 29 के अंदर देखिए, आपको दे रहा है 0 से 1 तक फंक्शन दिया गया tan इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा है साथ में फंक्शन है उसका साथ में डिफरेंशिएट दिया गया, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, फंक्शंस जो डिफरेंशिएट है उसकी डायरेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले मैं सब्स्टिट्यूट से करवा रहा हूँ फिर आपको इसके जनरल तरीका बताता हूँ। लेट tan इनवर्स एक्स को आपने टी लेट किया, ठीक है, तो एक्स यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास tan t, जरूरत भी नहीं है वैसे इसके निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पास इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 1/1 प्लस x की पावर 2 डी एक्स बराबर में डी टी। अब लिमिट चेंज होगी क्योंकि इफ x टेंस टू 0 देन टी क्या बनेगा आपके पास tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0। इफ x टेंस टू 1 देन टी क्या बनेगा आपके पास tan इनवर्स 1, ये किसकी वैल्यू क्या होती है π/4, तो लिमिट 0 से लेकर π/4 तक हो जाएगी आपकी, ठीक है। tan इनवर्स x को आपने t माना, डी एक्स अपॉन 1 प्लस x की पावर 2 को आपका dt आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा t² / 2 और लिमिट 0 से लेकर π/4 तक, ठीक है, तो आपने पुट कर दिया, पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे π² / 16, ठीक है, माइनस 0 तो दोनों की मल्टीप्लाई की π² / 32, ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज़ के ऊपर आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे फॉर्मूला,
ठीक है, फंक्शन की पावर एन साथ में उसका डिफरेंशिएट। यहाँ आपकी पावर आप इसको वन मान लेंगे, मतलब पावर वन मान लें, मैं अलग से जो मेथड लगा रहा हूँ उसके लिए वन लिख रहा हूँ। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इसका, टेन इनवर्स एक्स की पावर टू, ठीक है, बाय टू, और लिमिट आपके पास जीरो से लेकर वन तक ही रहेगी। आपका वन बाय टू बाहर चला गया, अपर लिमिट पुट कर दिया आपने पहले वन, उसकी स्क्वेयर माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट पुट कर दी टेन इनवर्स जीरो उसकी स्क्वेयर। ये तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, टेन इनवर्स की वैल्यू पाई बाय फोर होती है, तो पाई बाय फोर की स्क्वेयर क्या हो जाएगा, पाई की पावर टू बाय सिक्सटीन मल्टीप्लाई करके पाई की पावर टू बाय थर्टी टू। ठीक है, आपका ये मेथड बन जाता है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा हमारे पास, फंक्शन की पावर एन साथ में उसका डिफरेंशिएट। यहाँ कुछ नहीं था तो पावर हमने वन मान ली, इसका इंटीग्रेशंस। ठीक है, क्या रहता है, फंक्शन की पावर एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। क्लियर, इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 7.10 है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आप अपनी अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी, ठीक है, उसको करेंगे, एक्सरसाइज 7.11। 7.11 के बारे में आपको मैं कुछ जनरल सी बेसिक बातें बता देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे उसके अंदर। जैसे आपके पास एक पहली प्रॉपर्टी है, अगर आपको लिमिट ए टू बी दी गई है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, आपकी लिमिट यही रहती है, फंक्शंस को सिर्फ उसके अंदर वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं, एक्स की जगह टी करना चाहते हैं। यूँ मान लीजिए आपने एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, सब्स्टिट्यूट करने पर फंक्शन पर कहीं भी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका ये चेंज कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास ए से बी है, आप इस लिमिट को तोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए ए से सी करना चाहते हैं, ठीक है, और सी से आपके पास बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे दो टुकड़े करना चाहे कर सकते हैं, जो सी है आपके पास वो ए और बी के बीच में लाई करता होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ना चाहें बड़ी ही आसानी से तोड़ सकते हैं। और तीसरी हमारे पास, अगर आपके पास ए टू बी है, फंक्शंस है, आप इसकी लिमिट को चेंज करते हैं, मान लीजिए अपर को लोअर, लोअर को अपर, तो ये माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल किए, क्वेश्चन किया भी था, ठीक है, आपने क्वेश्चंस के अंदर देखा भी था हमारे पास, नाइन्थ क्वेश्चन में वहाँ माइनस लगा हुआ था, तो माइनस आपका निशान हट गया था। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास, ठीक है, आपकी एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि अगर आपकी लिमिट ए टू बी दी गई है, फंक्शन आपके पास है, तो आपकी लिमिट तो वही रहती है, लेकिन आप फंक्शन के अंदर उन दोनों लिमिट्स का जोड़ में से एक्स घटाना चाहते हैं तो घटा दें, उससे आपके इंटीग्रेशन वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का आगे एक बदला हुआ रूप है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी का, फिफ्थ, अगर लिमिट जीरो से ए दी गई है, ठीक है, तो आप इसको जीरो से ए ही लिमिट रहेगी, फंक्शन को आप एक्स के अंदर ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यूज होता है इस प्रॉपर्टी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की टाइप के अंदर काउंट की जाती है आपकी जो बुक में है, इसको फिर प्रॉपर्टी ना करके P4 कहा गया, जैसे इसको P3 कहा गया, जो फर्स्ट है उसको P0, सेकंड को P1, ठीक है, थर्ड को P2, फोर्थ को P3, फोर्थ को, फिफ्थ को P4 कहा गया। ठीक है, पर्टिकुलर्स आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है ये। ऐसे ही प्रॉपर्टी अगर आपको 0 से 2a, यहाँ पर 2a का तो हमें क्लियर नहीं होता, मान लो 10 देखे उसको हम 5 कर लेंगे, ठीक है, मान लो 2 देखे तो उसको आप आगे 1 कर लेते हैं, बस ये रहता है हमारे पास। ठीक है, ये बन जाता है 0 से a फंक्शन डी एक्स प्लस 0 से a फंक्शन 2a माइनस x, मीन्स इसके अंदर आप लिमिट मान लो 10 है तो 5-5 बन जाएगा, 2 है तो 1-1 बन जाएगा, 1 है तो 1/2 लिख सकते हैं आप। इस तरीके से दो टुकड़े कर सकते हैं आप इसके। अच्छा, इसी से आपकी प्रॉपर्टी एक और बनती है, इसी चीज़ से, अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ख़त्म करके इसका डायरेक्ट डबल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल है, अगर इनका आपस में इक्वल है लेकिन माइनस के साथ इक्वल है, तो आपका ये पोर्शन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो दोनों का जोड़ क्या बन जाता है, जीरो। ठीक है, ये आपकी P6 प्रॉपर्टीज बन गई, मतलब सेवन्थ प्रॉपर्टीज। और एक हमारे पास ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आपको माइनस ए से ए लिमिट दी है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा भी था, ठीक है, वो चीज़ हमारे पास, फंक्शन आपको दिया गया डी एक्स, तो मैं इसको डबल लिख सकता हूँ, जीरो से ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, या जीरो लिख सकता हूँ, ये डिपेंड किस पर करता है, इफ़ अगर हमारे पास जो हमारा फंक्शन है
वो एक इवन फंक्शन हो अगर फंक्शन आपका ओड हुआ, ठीक है। अब ये इवन ओड फंक्शन क्या होते हैं, आप एफ फंक्शंस के अंदर एक्स की जगह आप माइनस एक्स रखें, आपको वापस वही फंक्शन मिल गया, ठीक है। मीन्स कहीं पर कुछ नहीं, निशान कोई चेंज नहीं हुआ आपका, वापस वैसे का वैसा फंक्शन मिल गया आपको, तो वो आपका इवन फंक्शंस होता है। अगर आपने एक फंक्शन के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स रखा और माइनस कॉमन निकाल कर आपके पास वही कॉमन फंक्शन मिल रहा हो, तो वो आपका ओड फंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर फंक्शन हमारा एक्स स्क्वेयर है, ये एक इवन फंक्शन है, आप माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स की स्क्वेयर क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर बन गया, वापस आपके पास फंक्शन आ गया, ये इट इज़ ए इवन फंक्शन। मान लीजिए अगर आपका फंक्शन ये होता एक्स क्यू होता, आप फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखें तो माइनस एक्स की होल क्यू, डैट मीन्स माइनस एक्स क्यूब आया आपके पास। मान लो प्लस एक्स भी होता साथ में, तो यहाँ से माइनस एक्स होता माइनस एक्स, माइनस आप कॉमन निकालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स हो जाएगा, मीन्स आपके पास माइनस कॉमन निकाल के वापस वही फंक्शन मिल गया आपका, इट इज़ ए ओड फंक्शंस। अच्छा, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना इवन होते हैं ना ओड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने हमने क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 के अंदर बना भी था फंक्शंस की टाइप, आपके पास मान लीजिए अगर ये फंक्शन है, ठीक है, सिंपल सॉरी, ये फंक्शन है 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5। अब इसके अंदर आप x की जगह माइनस एक्स रख दें, 1 बाय माइनस एक्स की स्क्वेयर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 5, तो 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5, आपका ये ना माइनस कॉमन निकाल कर ऐसा बन रहा, ना वैसे बिना माइनस कॉमन निकाले ऐसा बन रहा। सो ये क्या हो गए, नाइदर इवन फंक्शन नॉर ओड फंक्शन, ठीक है, फिर ना ये इवन रहे ना आपके ओड फंक्शन रहे, फिर हमें इन पर ऐसा कुछ भी नहीं अप्लाई करना होता, क्लियर। इस तरीके से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है हमने। इन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.11, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से बड़े आपके जो एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, बड़े ही सेकंडों के अंदर हल होंगे, ठीक है। देखने के अंदर कई क्वेश्चंस हमें बड़े ही मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी है। जैसे आपने देखा कि कई क्वेश्चन आपके सिंपल इंटीग्रेशन बड़े मुश्किल लगते थे, जब लिमिट के अंदर क्वेश्चन आए, लिमिट के अंदर आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका जो वापस सब्स्टिट्यूट को हम टी को एक्स की फॉर्म बदलते थे, सिंपल इंटीग्रेशन के अंदर, इनडिफाइंड इंटीग्रल के अंदर बड़ा मुश्किल था, लेकिन डिफाइंड इंटीग्रल के अंदर आपके आगे कुछ करना ही नहीं है हमने। ऐसे ही जहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं वो और ज़्यादा इजी बन जाती हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन हैं वो अप्लाई होते हैं मोस्टली हमारे किसके ऊपर, डिफाइंड इंटीग्रल के ऊपर ही, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। किसी भी बात के लिए, किसी एग्जांपल्स की प्रॉब्लम के लिए, किसी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।